हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हमारी लाइफ में मौजूद या फिर आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को एक ही तरीके से खत्म किया जा सकता है, या फिर ये कहूं कि एवरी प्रॉब्लम हैव अ सॉल्यूशन। अगर हम किसी भी पर्सन की बात करें, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, जॉब करने वाला हो, खुद का बिजनेस करने वाला हो, या कोई भी हो, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ज्यादातर लोग इन प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने की बजाय किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जिसके ऊपर इस प्रॉब्लम का ब्लेम लगा सके। इसी बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप एक स्टूडेंट हो, तो आपके मार्क्स कम आए। ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर स्टूडेंट ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि उनके मार्क्स कम क्यों आए। इसकी बजाय वो स्टूडेंट्स का एक सर्कल बनाते हैं और खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। साथ ही साथ सारा का सारा ब्लेम किसी दूसरे इंसान पे डाल देते हैं, जैसे कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, यार घर पर तो ना फंक्शन चल रहा था, नहीं तो इस बार फर्स्ट तेरे भाई की आती, यार उस दिन तो ना इंडिया का क्रिकेट मैच था, नहीं तो इस बार फर्स्ट तेरे भाई की आती। हर स्टूडेंट इसी तरह कोई ना कोई बहाना ढूंढकर खुद को सेटिस्फाइड करने में लगा रहता है। दूसरी एक और बीमारी है जिसके शिकार ज्यादातर लोग हैं। अगर ऐसे लोगों को कोई भी इंसान ही ना मिलता जिसके ऊपर ब्लेम लगाया जा सके, तो ये लोग सारा का सारा ब्लेम उठाकर ऊपर वाले के ऊपर डाल देते हैं और बोलते भी बड़ी अच्छे तरीके से हैं कि वो ऐसा चाहता था इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या फिर उसने हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ है। दोस्तों, ये सब सच नहीं है, सच कुछ और है। अगर यहाँ पर किसी इंसान की गलती है तो वो एक ही इंसान की गलती है, और वो इंसान है आप खुद। जब तक आप अपनी उंगली किसी दूसरे की तरफ उठाते रहोगे, तब तक आप अपनी ना तो क्वालिटीज देख सकते हो और ना ही डिसक्वालिटीज देख सकते हो। लेकिन जिस दिन ये उंगली दूसरे लोगों की तरफ उठाने की बजाय अपनी ही तरफ मुड़ गई और आपने समझ लिया कि जो भी हुआ है वो आप ही के कारण हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं आप ही की गलती है, ऐसा करने से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और आपको सक्सेस का रास्ता मिल जाएगा। अब इस बात को अप्लाई करते हुए हर एग्जाम्पल को डिटेल में समझते हैं। इसमें टीचर की गलती तो है ही, हमारे एग्जाम्स में मार्क्स कम आए लेकिन हमारी क्लास में एक टॉपर भी है, उसे भी सेम ही टीचर पढ़ा रहा है, क्या गलती है इसमें टीचर की? नहीं है कोई गलती। अगर घर में फंक्शन की बात करें तो डिस्टर्बेंस तो होती ही है, लेकिन अगर हमें पढ़ना ही था तो हम दोस्त के घर पढ़ सकते थे, लाइब्रेरी जाकर पढ़ सकते थे। अगर आप इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझोगे तो आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं गलती हमारी है। हमारे पास हर प्रॉब्लम का सलूशन मौजूद था, लेकिन फिर भी हमने सलूशन को चुनने के बजाय एक बहाना चुना। दोस्तों, एक बात याद रखना, हमारे अपने डिसीजन ही हमें गलत रास्ते पर या फिर सही रास्ते पर ले जाते हैं, इसलिए अपनी उंगली किसी भी दूसरे की तरफ मत उठाओ। कुछ भी करने से पहले ये देखो कि आपकी कितनी गलती है। अगर आपने 1% भी गलती की है तो आप ही की गलती है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, क्या पता वो सब उसी 1% की गलती के कारण हुआ हो। इसलिए दूसरे लोगों पर उंगली उठाना छोड़ दो। अगर जिंदगी में सफलता पाना चाहते हो तो इस उंगली को अपनी तरफ मोड़ दो। दोस्तों, कैसा लगा ये टॉपिक मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताना, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। Thank you.